अंधकार की शक्ति, कोई पाप की शक्ति, कोई अंधकार की आत्मा, कोई बीमारी का आत्मा, डले का आत्मा, जादू का आत्मा, अज यीशु मसीह तेरे सामर्थी वचना के सामने ठहर। यस खुदा, तेरी सामर्थी वचनों के सामने ठहरना पाए। आपको खुदा से कि परमेश्वर जो लुस्त्रा में जब तेरा दास प्रेरित पौल तेरा वचन सुना रहा था, जैसे एक जमांतरों लंगड़ा तेरी बातों पर बड़ी टकटकी लगाकर तेरे वचनों को सुन रहा था, तेरा वचन कहता जब जमांतरों लंगड़े की परमेश्वर ने उसकी चाहत को, उसके विश्वास को, उसके प्रेम को उसने देखा, तो परमेश्वर ने अपने दास को इस्तेमाल किया। बाइबल कहती है कि परमेश्वर कब अपने दास को इस्तेमाल करता है, जब तुम तैयार होते हो अपने छुटकारे के लिए, अपने आशीष के लिए, जब आप अपने मन को तैयार करते हो। परमेश्वर जैसे परमेश्वर ने अपने दास प्रेरित पौल को, जमांतरू लंगड़े को कहा कि अपने पैरों के बल खड़े हो जाओ, आज भी वही परमेश्वर, बाइबल कहती वो जुगन जुगे एक सा परमेश्वर, वो कभी ना बदलने वाला परमेश्वर है, और बाइबल कहती वो आज्ञाओं और नियम और विधियों का परमेश्वर, वो नियमों के बाहर वो कुछ नहीं करता, इसलिए बाइबल कहती बिना विश्वास से उसे खुश करना न होगा। आज मांगो कि खुदा तेरे वचन के द्वारा मेरे जीवन में विश्वास पैदा हो, आज तेरे वचनों के द्वारा मेरे जीवन में प्रभु विश्वास पैदा हो, आज इन वचनों के द्वारा मेरा विश्वास बढ़ जाए, मेरा प्रेम बढ़ जाए, मेरा आत्मिक रिश्ता बढ़ जाए खुदा, मेरी आत्मिक आंखें खुल जाए खुदा तेरे वचनों के द्वारा। यस खुदा, जो मेरा मन मुझे दोष देता, जो मैं तेरी इच्छा को पूरा नहीं कर पा, तेरे साथ में बैठ नहीं सकता खुदा, आज मुझे बैठने वाला मन, मुझे प्रार्थना वाला जीवन आप दे चुके हो, वचन को समझने वाला, पढ़ने वाला, सुनने वाला मन और जीवन आप दे चुके हो खुदा, मेरा मन तेरी बातों पर लग चुका है, तू मुझे प्रार्थना करने वाला योद्धा बना चुका है। मांगो उस खुदा से कि परमेश्वर आप मुझे प्रार्थना करने वाला योद्धा बना चुका है, मैं प्रार्थना करने वाला योद्धा बन चुका हूँ, मैं बन चुकी हूँ, बन चुका हूँ, परमेश्वर मेरी अगुवाई कर चुकी हूँ, मेरी आत्मिक आंखें खोल चुकी, मैं घंटों तेरे साथ बैठकर समा बतीत करने वाला बन चुका हूँ। तो बाइबल कहती जब तक हम बनेंगे नहीं तब तक छुटकारा वो आशीष हमारे जीवन में आएगी, जब हम ऐसे बनेंगे तो हर छुटकारे को, हर आशीष को बाइबल कहती हम अपने जीवन में देखेंगे। इसलिए मांगो उस खुदा से कि परमेश्वर आज तेरे वचनों के द्वारा मैं तेरा वो अनुग्रह, वो आशीष पाऊं कि आज खुदा तेरे वचनों को सुनते सुनते मेरे जीवन में से हर वो अंधकार का रोग, हर वो दुष्ट आत्मा, चाहे वो जादू की है, चाहे वो सांपों की है, चाहे वो व्यभिचार की आत्मा है, आज खुदा तेरे वचनों को सुनते सुनते हर वो आत्मा का नाश हो, मेरे जीवन से अंत हो, मेरे जीवन से अंत हो, हर कमजोरी का अंत हो, हर कमजोरी का मेरे जीवन से अंत हो। खुदावन जो आत्मा तेरी बातों को समझने में, तेरे घर में आने को, प्रार्थना में बैठने को मुझे रोकता खुदावन, आज हर को रोकने वाली आत्मा को डांटो यीशु मसीह के नाम से। बोलोगे वो आत्मा आज खुदा तेरे सामर्थी वचनों से छाए मेरे जीवन से और मैं आजाद हो जाऊं, आज मैं आजाद हो जाऊं, मैं आजादी पाऊं, मैं उस आजादी को पाऊं, उस जीवन को पाऊं जो यूहन्ना 10:10 में आप लेकर आए। यस खुदा उस जीवन को मैं देखने पाऊं, यूहन्ना 10:10 का मैं उस जीवन को, उस बहुतायत के जीवन को देखने पाऊं यीशु मसीह तेरे सामर्थी नाम से। यस खुदा आप मेरे मन को धीम कर चुके हो, नम्र बना चुके हो, नम्र बना चुके हो। यस खुदा तेरा वचन कहता है शुद्ध मन वाले देखेंगे। यस खुदा बोलो परमेश्वर मेरे मन को शुद्ध और पवित्र कर चुके हो, मेरी आंखों को पवित्र कर चुके हो, मेरी सोच को पवित्र कर चुके हो, क्योंकि बाइबल कहती बिना पवित्रता के हम कदा भी कोई प्रभु को देख नहीं पाएगा। बाइबल कहती बिना पवित्रता के बिना कोई प्रभु को देख नहीं पाएगा। बोलो परमेश्वर को आप मेरा हृदय पवित्र कर चुके हो, मेरी आंखें पवित्र कर चुके हो, मेरी सोच पवित्र कर चुके हो, क्योंकि तेरा वचन कहता है बिना पवित्रता कोई खुदा को देख नहीं सकता। यस मांगो खुदा से कि परमेश्वर आप मेरी जीवन को पवित्र बना चुके हो, आप बना चुके हो,
मुझे समझ और बुद्धि भी आप दे चुके हो। तेरा वचन कहता है जिसे बुद्धि की कमी है वो मुझसे मांगे। आज मांगो खुदा से, जिन लोगों को वचन समझ नहीं आती, जब वो भूल जाते हैं, वो तभी तभी जब वो सुनते तब तक याद रहता। मैंने कुछ लोगों ने मुझे कहा हमें याद नहीं रहता जब हम घर चले जाते हैं। तो बाइबल कहती है जिसे बुद्ध की कमी है वो खुदा से मांगे। आज मांगो खुदा से कि परमेश्वर आज वो बुद्ध वो समझ अपने वचनों को समझने वाली हम मुझे दे चुके। उसने कहा स्वर्ग और पृथ्वी का अधिकार मेरे पिता ने मुझे दिया, मेरे नाम से तुम जो मांगोगे मैं तुम्हें दूंगा। अब मैं पिता से विनती नहीं करूंगा, जो भी मेरे नाम से तुम मांगोगे मैं तुम्हें दूंगा। मांगो आज जो चाहते हो मांगो, वो देने के लिए खुदावंद तैयार है। तुम्हें बुद्धि चाहिए, तुम्हें सेवा करने वाला मन चाहिए, तुम्हें पवित्र आंखें चाहिए, शुद्ध हृदय चाहिए, जो चाहिए आज मांगो। आज मांगो खुदा से, आज मांगो खुदा से, आज मांगो क्योंकि वो देने के लिए तैयार है। मैंने कहा वो देने के लिए तैयार है। अगर हम तैयार है तो परमेश्वर तैयार है। लिखा अगर हम तैयार है तो परमेश्वर तैयार है। लिखा वो अपने पहरे के घुम्मट पर तैयार बार तैयार रहता है कि कब कोई उस मन से चाह से सुशास से मेरे पास आए और अपने मन को फिराए, अपने पापों से पश्चाताप करे और मैं उसे चंगा करूं, मैं उसे हील करूं। कब कोई उस मन से आए और अपने मन को फिराए, तौबा करे कि परमेश्वर आइंदा मैं ये चीजें नहीं करूंगी, मैं कोई चुगली कोई गैर विरोधता ईर्ष्या किसी के साथ कोई ऐसा मन नहीं रखूंगा। क्योंकि बाइबल कहती है ये सारे शरीर की चीजें ये शैतान की चीजें इसको निकालना पड़ेगा। अगर हम खुदा से आशीष चाहते हैं, वो छुटकारे को चाहते हैं, उस खुदा की ब्लेसिंग को चाहते हैं तो हमें इनसे दूर होना पड़ेगा। इसलिए उसने तिमोथी उसको हे परमेश्वर के जन इनसे भाग, इन चीजों से भाग। ऐसे बाइबल में लिखा है कि उसने जब तिमोथी उसको कहा कि हे परमेश्वर के जन काम करो, क्योंकि बाइबल हमें क्यों दी, बाइबल इसीलिए हमें दी गई ताकि हम हर बात को समझ कर उस तरीके से चल सके जैसे परमेश्वर चाहता है। इसलिए जब हम फर्स्ट मोती और शेख की 11 पढ़ते तो उसने कहा हे परमेश्वर के जन इन बातों से भाग और धर्म भक्ति विश्वास प्रेम धीरज और नम्रता का पीछा कर, विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़ और अनंत जीवन को धर ले जिसके लिए तू बुलाया गया है। बहुत से गवाहों के सामने अच्छा अंगीकार किया, मैं तुझे परमेश्वर को जो सब को जीवित रखता है और मसीह यीशु को गुआ करके जिसने पिलातुस के सामने अच्छा का अंगीकार किया, ये आज्ञा देता हूँ कि तू हमारे प्रभु यीशु मसीह के प्रकट होने तक इस आज्ञा को निष्लंक और निर्दोष रख। बाइबल कहती है जब तक यीशु मसीह नहीं आएगा हम उसकी सब आज्ञाओं को मानेंगे, ताकि जिस दिन वो आए हम निष्लंक पाए जाए, हम निर्दोष पाए जाए, हमारे जीवन में कोई दोष ना पाया जाए, हम दोषी ना पाए जाए। बाइबल कहती है इसलिए उसने क्यों तिमोथी उसको हे परमेश्वर के जन इन सब बातों से बाहर धर्म भक्ति प्रेम धीरज नम्रता इन सब चीजों का पीछा कर। क्यों पीछा कर? क्योंकि एक दिन वो आएगा और एक एक बात का वो हिसाब लेगा। बाइबल कहती है ऐसा ना हो तुम दोषी पाए, परमेश्वर की चाह तुम सब आज्ञाओं को मानो, उसकी हर बात को मानो ताकि तुम निष्लंक रहो, निष्लंक रहो। इसलिए आज अपने हाथों को उठाकर अंगीकार करें, विश्वास करें कि परमेश्वर में निष्लंक पाया जाऊं, मेरे जीवन में कोई दोष ना पाया जाए। खुदाबंद मैं तेरे साथ पूरी खरियाई के साथ और वफादारी के साथ, खरियाई के साथ और वफादारी के साथ, कोई चलाक मन से नहीं, क्योंकि परमेश्वर चलाक मन पसंद नहीं करता, उसे चलाक मन पसंद नहीं है। इसलिए मांगो खुदा से कि परमेश्वर में तेरी साथ खरियाई से वफादार बन सक तेरे दास के भी जो तेरा वचन सुनाते, तेरे इस चर्च के प्रति मैं वफादार बन सकूं परमेश्वर। तो वफादार होना परमेश्वर की निशानी है कि तुम परमेश्वर के
बाइबल कहती है वफादार होना ही परमेश्वर की ये निशानी है कि तुम परमेश्वर के हो, क्योंकि तुम्हारी वफादार ये प्रूफ करेगी, ये साबित करेगी कि तुम परमेश्वर के हो। और बाइबल कहती जब तुम ऐसे करोगे तो उसके अनुग्रह की दृष्टि तुम पर सदा बनी रहेगी, तुम सदा बनी रहेगी। बाइबल कहती है जितने लोग परमेश्वर के भय में अपने जीवन को व्यतीत करते हैं, बाइबल कहती है जितने लोग परमेश्वर के साथ भय के साथ अपने जीवन को व्यतीत करते हैं, स्वर्गीय दूत उनकी रखवाली करते हैं। तो परमेश्वर की नजर में बड़े उत्तम हो। बेशक तुम गरीब हो, बेशक तुम काम करते हो, दिहाड़ी लगाते हो, तुम्हारा घर छोटा है, तुम किराए पे रहते हो, पर खुदा की नजर में तुम उत्तम हो। मैंने कहा खुदा की नजर में उत्तम हो। अगर तुम उसकी नजर में उत्तम बनोगे तो बाइबल कहती दुनिया की सब वस्तुएं तुम्हारे पीछे आ जाएंगी, दुनिया की सब चीजें उत्तम तुम्हारे पीछे आएंगी। तुम्हें घर चाहिए, तुम्हें बेबी की आशीष चाहिए, काम चाहिए, बिजनेस चाहिए, बाइबल कहती तुम्हारी वफादारी से आएंगी, तुम्हारे अच्छे मन से आएंगी, तुम्हारे अच्छे चाल चलन से आएगी, तेरे अच्छे बिहेवियर के साथ आएगी, तेरे अच्छे सलूक से आएगी वो सब चीजें। जब तुम ऐसे बनोगे तो वो दुनिया की चीजें आएंगी, तुम्हारा घर तुम्हारा स्वर्ग बनेगा। उसी घर में जिस घर में कईयों का मन नहीं लगता, वो घर तुम्हारा शांति का घर बन जाएगा, तुम्हारा प्रार्थना का घर बन जाएगा, वही घर तुम्हारा प्रार्थना का और शांति का घर बन जाएगा। उसी घर में तुम खुदा के ढेरों आशीषों को देखोगे, क्योंकि जब तुम खुदावंद को साथ रखोगे, उसके वचन को अपने साथ रखोगे, तो परमेश्वर जिसके साथ है बाइबल कहती है उसे कोई घटी नहीं। इसलिए बाइबल कहती है उसकी महिमा कर, उसकी महिमा कर, तो वो तुम्हारी हर घटी को महिमा साथ पूरी कर। बोलो परमेश्वर आज इन सब बातों से आप मुझे ब्लेस कर चुके, ब्लेस कर चुके इस प्रार्थना के द्वारा, आज के वचन के द्वारा मुझे ब्लेस कर चुके, मेरी आत्मिक आंखें खोल चुके, मेरे हृदय को शुद्ध और पवित्र कर चुके, मेरे हृदय को शुद्ध और पवित्र कर चुके, मेरा मन खुदा तेरी आंखों को तेरी विधियों को मानने वाला बन जा। यस खुदा आप मुझे ऐसा बना चुके यीशु मसीह के नाम, आमेन, हालेलुया, हालेलुया।